Hey fire signs, welcome. How are you? I hope you all are doing good. आज हम चेक करने वाले हैं June 2024 आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा. रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जून एंड तक आप लोग कभी भी चेक कर सकते हैं. जनरल है, फायर साइंस के लिए है. अगर आप सन मून राइजिंग असेंडिंग किसी भी वे से एरीज लियो सैज से कनेक्टेड हैं या फिर आपके पार्टनर्स इन जोडियक से कनेक्टेड हैं तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हैं. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो विदाउट मच फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ यूनिवर्स बताएं फायर साइन के लिए उनके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर जून 2024 कैसा रहने वाला है. ओम गौरी शंकराय नमः. हार्ट ब्रोकन है कोई तो, दिल दुखी है, पास्ट लाइफ की चीज़ें बहुत ध्यान आ रही हैं, पर्सन को कोई बहुत मिस कर रहा है, आप या वो या फिर आप दोनों, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. हाल फिलहाल में किसी का ब्रेकअप हुआ है, उसके चांसेस भी यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से आप बहुत मिस कर रहे हो उन्हें, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं. वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही हैं. जून के फर्स्ट वीक में अगर आप लोग साथ हो भी तब भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन अच्छा ना चले. और वैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में आर्ग्यूमेंट, ब्रेकअप, सैडनेस, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज आपके साथ हैं. ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन ने या किसी थर्ड सिचुएशन ने, ये कोई अनदर रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच, आप दोनों के कनेक्शन को टोटली ख़राब कर दिया है और तोड़ने के या टूटने के मोड में आपका कनेक्शन आ चुका है या हाल फिलहाल में टूट चुका है. फ्रेंड्स सभी से सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो आपसे रेजोनेट करें वो रखें, अदरवाइज जाने दें. ऑल राइट, टेन ऑफ ऑटम की एनर्जीज है. ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि यू नो कुछ लोगों को शादी को लेकर, फैमिली को मनाने को लेकर इशू चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों लड़े झगड़ें एंड फाइनली थिंग्स ऐसा लगे जैसे ओवर हो चुके हैं, बट थिंग्स ओवर नहीं हुई हैं. ठीक है, सेकेंड और थर्ड वीक में ये पर्सन अगेन आपसे बात करने लगेंगे और हो सकता है अपनी फैमिली को भी मनाने की कोशिश करें. टेन ऑफ समर, ओ माई गुडनेस, ऐसा लग रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों के लाइफ में यू नो इस टाइम आपके पर्सन के साथ वेडिंग की बात चलने के और फैमिली के मान जाने के योग हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, नॉट बैड एक्चुअली, बहुत ही स्ट्रांग चांसेस आ रहे हैं यहाँ. और अगर आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग हैं. ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में वापस शामिल करना चाहते हैं और करेंगे भी. अगर मैं नंबर और डेट्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो 1/19/28/10, 3/12/21/30, 7/16/25 ये इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नंबर एंड डेट्स हैं आपके कनेक्शन के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए या आप लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए. फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है किसी की फैमिली उन्हें शादी को लेकर बहुत सारे रिश्ते दिखा रही है, आपकी या उनकी, जिसको लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, मनमुटाव या फिर परेशानियां थोड़ी सी क्रिएट हो जाएं. लेकिन विद इट आप दोनों इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे और सॉर्ट आउट करोगे भी. कुछ लोग जो कि मैरिड हैं और बाल बच्चेदार हैं, डेफिनेटली अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फैमिली ट्रिप प्लान करते हुए भी दिखाई देते हैं. किसी हिल एरिया में, किसी सी एरिया में आप लोग जाएं, वहाँ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, उसके चांसेस हैं. कोई मेंटल क्योर्स, आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट ओवर होता हुआ इस मंथ के एंड तक दिखाई देता है. ओवरऑल मैं देखूं तो सेकेंड और थर्ड हफ्ता आप दोनों के लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा.
आप दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, इंजॉय करोगे, सैर करोगे, रोमांटिक वे में, इमोशनल वे में एक दूसरे के साथ रहोगे। फर्स्ट वीक की मैं बात करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से मन सैड और डिसअपॉइंटेड हो सकता है, और लास्ट वीक की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहेगी, ऐसा लगेगा मल्टीपल लोगों का इंटरफेरेंस हो गया है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आ रहा कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। यहाँ पर कुछ और जोडिक साइंस हैं जो इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट हैं, और वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हम चेक कर रहे हैं माय डियर फायर साइंस की आपके लिए क्या गाइडेंस है जून मंथ को लेकर, जिससे आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में सब कुछ सेट कर पाएंगे। एस ऑफ विंटर, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि अपने मन के भावों को बिना किसी अगर मैं बात करूं पॉलिशिंग के, ठीक है, शुगर कोट के या फिर रूड बिहेवियर के, ठीक है, जितना हो सके ट्रांसपेरेंसी के साथ आप व्यक्त करें, ट्रांसपेरेंट बने और इक्वली ट्रांसपेरेंटली अपने पर्सन से क्लियर कट बात करें। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें अपने कनेक्शन को लेकर। अब हम चेक कर रहे हैं आपके लिए क्या रेमेडी है, क्या ब्लेसिंग है, लेट्स चेक। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपको इस मंथ आपके सोलमेट मिलने वाले हैं, ठीक है, उनके साथ आप बहुत कंपैशनेट फील करेंगे, लविंग और केयरिंग फील करेंगे, और अपने साइकिक आपकी पावर्स हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, तो डेफिनेटली आपको वो इंट्यूशन आ रही होगी कि इस मंथ आपका रियूनियन होगा, या अगर आप टोटली सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आपको कोई न्यू सोलमेट मिलेगा या मिलेगी, और डेफिनेटली उसके चांसेस बहुत हाई रहेंगे। एंड गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको सी एनिमल्स को, जस्ट लाइक फिशेस, डक्स, ठीक है, इनको आपको फीड करवाना है, ठीक है, इनको आप फीड करवाइए तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने लगेंगी एंड आगे आपकी लाइफ में सब बढ़िया होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग, कैसी लगी आपको, पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स विद मी। वेरी ईजी प्रोसेस है, ईजिली व्हाट्सअप करके आप अपने सेशन स्लॉट्स बुक करा सकते हैं, एंड पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करते रहें। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर।